गवर्नर साहब एजेंसियों से जो इनको फीडबैक मिलती है ना, वो जनता की आवाज नहीं, वो एजेंसीज की फीडबैक पे बात कर रहे हैं। उनको बोलने में मेरे को लगता है थोड़ी सी गलती लग गई। उन्होंने ये बोलना था कि जो हमारी एजेंसीज है उनसे हमें फीडबैक मिल रही है कि जो यहाँ पे चुनाव ना करवाए जाएं, लेकिन वो मेरे को लगता है कि गलती से उनसे बोला गया कि जनता, क्योंकि जनता तो चाहती है कि किस राज्य की जनता ये चाहती है कि चुनाव। ये पार्टी मेरे को लगता है बीजेपी, जिसको हम कहते थे कि इनकी फुलफॉर्म थी भारतीय जनता पार्टी, जिनकी जो निकल के फुलफॉर्म आ रही है बी फॉर भ्रष्टाचारी, जे फॉर जोड़ो, पी फॉर पार्टी। एक नई पार्टी जो है बीजेपी का गठन हो रहा है। आप रैलियां भी देखिए, किसी समय स्टेडियमों में की जाती थी, अब चौकों पे रैलियां की जा रही हैं, चौकों में इनके जो जलसे हैं वो किए जा रहे हैं। क्या पार्टी का जनाधार बढ़ेगा तो वो स्टेडियम के अलावा बड़े स्टेडियम में करेंगे या चौकों में आ जाऊंगे? आगे आगे ये चौराहे पे आ जाएंगे, इतना भी मैंने बता दिया, चौक चौराहे में रह जाएगी ये। कारगिल हिल काउंसिल्स के चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद एक मुस्कुराहट है तमाम अपोजिशन के नेताओं के चेहरे पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने एक बेहतरीन प्रदर्शन जो है हिल काउंसिल्स में किया और भाजपा को जो है वो मुंह की खानी पड़ी है। जिस तरह से भाजपा दावे करती है 50 के पार की सिंगल डिजिट्स में उनकी सीटें जो है वो आई हैं, और अब अपोजिशन जो है वो कारगिल के चुनावों के बाद जम्मू कश्मीर में चुनावों की तरफ देख रहा है। और ये चुनाव कब तक होंगे ये हर किसी के जहन में है, और यही सवाल है कि चुनाव होंगे कब। जिस तरह से अपोजिशन दमखम दिखाता है और अपोजिशन ये कहता है कि जो चुनाव कल होने हैं वो चुनाव आज हो जाए, तो भाजपा को जो है वो मुंह की खानी पड़ेगी। तो तमाम बातचीत करने के लिए और भी कई सारे मुद्दे हैं हमारे साथ है कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष बिशु नेतुरा जी हैं। बिशु जी, किस तरह से देखते हैं, कितना फ़ायदा देखते हैं कांग्रेस को जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा का फ़ायदा मिला है? पिछले दिनों हमने देखा था कि राहुल गांधी का दौरा भी रहा था लद्दाख में, तो कोई हम उसे राजनीति का दौरा नहीं कहेंगे, लेकिन जो एक नई राजनीति जो है, नई राजनीति उभर कर राहुल गांधी के सामने आई है, लोगों में नई पहचान उन्हें मिली है, तो किस तरह से देखते हैं कितना फ़ायदा जो है वो कांग्रेस को इनका मिल रहा है? ये जो राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी, उसका जो फ़ायदा कांग्रेस पार्टी को हुआ आप साफ देख सकते हैं। और उनका दौरा हालांकि वो राजनीतिक दौरा नहीं था, वो एक भारत जोड़ने की जो हमारे लोगों की उम्मीदें टूटी हुई थी, हमारे युवा वर्ग की जो उम्मीद टूट चुकी थी सरकार से, उसको जोड़ने का, उन उम्मीदों को जोड़ने को लेकर जो राहुल गांधी जी ने एक सोच लेके किया कि मैं भारत को जोड़ूंगा और उन तमाम उम्मीदों को जोड़ूंगा जो जनता की उम्मीदें इस समय सत्ताधारी पार्टी से जो है टूट चुकी हैं। और आपने देखा अभी वो लेह लद्दाख में भी आए थे, तो उसका नतीजा भी आपने देखा किस प्रकार लेह लद्दाख में जो कांग्रेस का प्रदर्शन है काफ़ी अच्छा रहा। और ये लेह लद्दाख की जनता की जो जन विरोधी नीतियाँ हैं इस सरकार की और इस प्रशासन की, उसको एक जवाब था कि किस प्रकार से जनता इस चीज़ का इंतज़ार कर रही है कि कब चुनाव आए और हम भी जो हैं जम्मू वाले इसका जवाब ले वालों से भी आगे बढ़कर दें। वहाँ दो सीटें मिली भाजपा को, और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ जम्मू कश्मीर में मेरे को लगता है इनको खाता खोलना भी जो है मुश्किल हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। क्या मानते हैं कि अगर इन्हें डेवलपमेंट, इन्होंने इतनी डेवलपमेंट कराई, ये कहते हैं कि हमने सड़कें बनाई, रोड बनाए, हमने हॉस्पिटल्स दिए लोगों को, तो क्या देखते हैं कि इतना कुछ देने के बाद भी लोगों ने इनको वोट क्यों नहीं दिए? लोगों ने जो ये इनकी डेवलपमेंट थी ना, उसको देखा कि इनकी डेवलपमेंट का स्टैंडर्ड क्या था। एक पुल आज बना के जाते हैं, थोड़े ही दिनों में एक बरसात आती है पुल बह जाता है, किसी चीज़ का कोई बिल्डिंग का वो करते हैं निर्माण करते हैं, कुछ दिनों में वो बिल्डिंग डैमेज होना शुरू हो जाती है। कौन सी डेवलपमेंट करवाई? आज जो जम्मू कश्मीर है अनएम्प्लॉयमेंट में पहले नंबर पे आ गया है। क्या पीछे से ये अनएम्प्लॉयमेंट में डेवलपमेंट करोगे, अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ाओगे, उससे वोट मांगोगे? डेवलपमेंट को कहते हैं कि आज आप युवाओं को रोजगार दो, युवाओं को एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय दो, उनको पता चले कि उन्हें रोजगार मिला है, फिर डेवलपमेंट होगी। लोगों का जो बैलेंस है उसको बढ़ाओ, लेकिन आपने तो जो लोगों के अपने पैसे हैं उन पे इंटरेस्ट कम कर दिया, उनकी अपनी जो एक आमदन थी उसको भी कम कर दिया, तो आप कहाँ से लोगों को डेवलप कर रहे हो? आप कहते हो किसानों की आमदन डबल करेंगे, आज किसान बेचारा परेशान है, वो कहता है मेरा खर्चा डबल हो गया। आज आप पेट्रोल के दाम देखो, आज आप डीजल के दाम देखो, जब वो अपनी खेत की जुताई करवानी होती है जब उसने, तो डीजल के दाम बढ़ने से उसको उसके जो दाम है वो ज़्यादा देना पड़ते हैं, क्योंकि हर किसान के पास ट्रैक्टर नहीं है, किसी ने बाहर से ट्रैक्टर लेके करना होता है। तो आज किसान बेचारा कह रहा है कि मेरी आमदन जो है आधी से भी कम हो चुकी है। इस प्रकार के अगर आप झूठी बातें लेके लोगों के बीच में जाओगे तो आप कामयाब नहीं होंगे। जो हलचलें कल परसों से कठुआ में तेज हुई हैं, क्या लगता है कि चुनाव आने वाले हैं? चुनाव आने भी चाहिए, 9 साल हो चुके हैं जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए, ये एक हमारा राइट भी बनता है कि हम अपनी जो एक
अपने हमारे जो हमें गवर्नमेंट अच्छी लगे उसको हम चुन सकें। ये आम जनता की जो एक अधिकार है उस अधिकार को भी रोंदा जा रहा है, चुनाव होने भी चाहिए। और हमें तो यही उम्मीद थी कि होने चाहिए थे, इलेक्शन कमीशन ने काफ़ी हलचलें भी तेज की थी, लेकिन नतीजा ये आया कि जब सर्वे करवाया गया इनको अपनी हार जो है बिल्कुल साफ दिखी कि कारगिल में फिर भी दो सीटें इनको थोड़ी सी इज्जत बचाने के लिए मिल गई, लेकिन जम्मू कश्मीर में इनको बिल्कुल सुपड़ा साफ दिख रहा था जो इनके सर्वे की रिपोर्ट में आया था। इन्होंने अपनी एजेंसियों से भी करवाया, सरकारी एजेंसियों से भी करवाया, इसी कारण जो है अभी आप देखो कि चुनाव की जो बात है वो आहिस्ता आहिस्ता धीमी कर दी गई है। नहीं, अभिजीत जो सरोटी हैं भाजपा के प्रवक्ता हैं, उन्होंने तो ये कहा था कि अब 50 के नहीं 55 की बात कर रहे हैं, हम 5 सीटें अब और बढ़ा लें, तो किस तरह से देखते हैं कि भाजपा ओवर दिन जो ओवर कॉन्फिडेंट होती दिख रही है आपको भी? आप कह रहे हो कि भाजपा कह रही है कि 50 नहीं 55 पार, और आप नीचे लोगों के कमेंट देखिए, उसके नीचे लोग पहले कहते थे कि अब की बार लखनपुर पार, लेकिन अब कह रहे हैं अब की बार कन्याकुमारी के पार। लोग अगर ये 50 से 55 पहुंचे हैं ना, तो लोग पहले लखनपुर तक इनको कह रहे थे, अब तो लोग कन्याकुमारी से पार करने की बात कर रहे हैं। और बात चलेगी जनता की, जनता जो कहेगी फैसला वो होगा, इनके कहने से कोई फैसला नहीं होगा। वो आपने करगिल में भी देखा, वो आपने कर्नाटका में भी देखा, वो आपने हर स्टेट में देखा, और आने वाले दिनों में आप 5 स्टेटों के जो रिजल्ट आएंगे उसमें भी आप देखोगे किस प्रकार भाजपा का जो सुपड़ा है वो साफ होगा। किस तरह से देखते हैं कि हलचल की मैंने बात की, और हलचल कठुआ में तेज़ हुई है कल की आप मान रहे हैं अभी कि हलचल तेज़ हुई है, क्या देखते हैं कि चुनावों की कहीं ना कहीं 24 की ये तैयारी चल रही है इस समय? आप जिस बात को लेके कहना चाहते हो, मेरे को लगता है कि जो रेड है उसको लेकर आप बात कर रहे हो कि ये जो रेड बजी है, तो मैं कह रहा हूँ कि जो बदले की भावना से कार्रवाई करोगे तो आप किस प्रकार वोट लोगे। और ये तो निश्चित ही है कि ये तो साफ है कि कल अगर रेड बजती है, और आज तरुण चुग जी हैं जो बीजेपी के, वो स्टेटमेंट देते हैं कि जल्द ही जो है विधानसभा के चुनाव जम्मू कश्मीर में होने वाले हैं। अब हम इसे इलेक्शन डिपार्टमेंट माने जहाँ इसकी कोई दूसरी डेफिनेशन निकालें, ई फॉर इलेक्शन, डी फॉर डिपार्टमेंट, ईडी, मतलब लग रहा है इलेक्शन होने वाले हैं। जिस प्रकार से पूरे देश का माहौल बनाया गया है कि यहाँ जहाँ रेडे और यहाँ तैयारियां शुरू की गई हैं, और ये बहुत ही एक घटिया और निचले स्तर की राजनीति जो है इस समय देश में हो रही है, और डेमोक्रेसी की हत्या इस समय देश में की जा रही है, हमारे जम्मू कश्मीर में की गई है। 9 साल से हमारे चुनाव नहीं किए गए, कौन सी डेमोक्रेसी, कौन सा लोकतंत्र जम्मू कश्मीर में है? तैयारी कांग्रेस की तरफ ही आएंगे ऐसा ऐसा या नहीं, क्या लगता है? ये हमें किसी चीज का डर नहीं है, कांग्रेस पार्टी जो है वो बिल्कुल साफ पार्टी है। हमारे नेता राहुल गांधी जी से आपने देखा कि 5 दिन तक जो है ईडी ने पूछताछ की, कई घंटों पूछताछ की, उन्होंने कहा जब जहां बुलाओगे आएंगे, और साफ है आज राहुल गांधी जी का जो आप देख रहे हो कि कद किस प्रकार से पूरे देश में बढ़ रहा है, क्योंकि जब आप किसी को प्रताड़ित करोगे, जब आप किसी को बदले की भावना से किसी पे आप रेड करवाओगे या किसी को प्रताड़ित करने की जो आप प्रयास करोगे, तो जनता जो होती है जनता को एक जज के रूप में देखा जाता है, क्योंकि जनता का काम होता है कि 5 साल वो देखती है कि कौन किस प्रकार से काम कर रहा है, कौन सही काम कर रहा है, कौन गलत काम कर रहा है, कौन बदले की भावना से काम कर रहा है, और कौन पब्लिक के हित के लिए काम कर रहा है, फिर जाके जनता ने जो है अपना फैसला सुनाना होता है। और आपने देखा पिछले कुछ ही दिनों में और कुछ ही महीनों में किस प्रकार इनसे एक के बाद एक स्टेट जो है वो जाती जा रही है, ये एक जनता का फैसला है, जनता एक अपना प्रतिनिधि चुनने का जनता का अधिकार है। लेकिन बड़े शर्म की बात है कि जम्मू कश्मीर के अंदर 9 साल से जनता को ये अधिकार नहीं दिया जा रहा कि लोकतंत्र का जो है, लोगों की जो सरकार है बाय द पीपल फॉर द पीपल होनी चाहिए जो गवर्नमेंट, वो नहीं बनाई जा रही। अच्छा, किस तरह से देखते हैं कि बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि चुनाव जल्द होंगे, और दूसरी तरफ गवर्नर साहब कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग नहीं चुनाव चाहते हैं, तो किसकी बात पर यकीन करें, जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे या नहीं होंगे? अब 24 की तरफ हम सब देख रहे हैं कि 24 की तैयारी लग रही है, तो किसकी बात को माने? एक तरफ गवर्नर साहब कह रहे हैं चुनाव नहीं होंगे, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि चुनाव होंगे, तो किसकी बात को माने हम इस समय? गवर्नर साहब एजेंसियों से जो इनको फीडबैक मिलती है ना, वो जनता की आवाज़ नहीं, वो एजेंसीज की फीडबैक पे बात कर रहे हैं। उनको बोलने में मेरे को लगता है थोड़ी सी गलती लग गई, उन्होंने ये बोलना था कि जो हमारी एजेंसीज हैं उनसे हमें फीडबैक मिल रही है कि जो यहाँ पे चुनाव ना करवाए जाएं, लेकिन वो मेरे को लगता है कि गलती से उनसे बोला गया कि जनता, क्योंकि जनता तो चाहती है कि
किस राज्य की जनता ये चाहती है कि चुनाव ना हो, क्योंकि जनता के काम होने चाहिए, जनता को ये उम्मीद होती है। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, कल को अगर आप ये ही बात कह के कर दोगे कि पूरे देश में चुनाव ना हो, लेकिन वो होता है कि आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का जो है उसको वायलेट कर रहे हो, उसकी वायलेशन कर रहे हो। हमें मौलिक अधिकार है कि हम अपनी मर्जी से सरकार चुन सके। आप तो अंग्रेजों से भी दो कदम आगे जा रहे हो, अंग्रेज भी जो थे वो इस प्रकार का व्यवहार नहीं करते थे, आपने तो अंग्रेजों से भी आगे बढ़ने का जो प्रयास वो किया है। किस तरह से देखते हैं जो अगले पांच चुनाव होने वाले, चुनाव होने वाले पांच स्टेटों में, उसमें भी जम्मू कश्मीर का नाम नहीं है, उसमें भी चुनाव डेफर कर दिए हैं, तो भाजपा क्यों लोगों को झूठे जुमले दे रही है चुनावों के नाम पर कि चुनाव जल्द होंगे? अगर चुनाव होते तो इस समय जिस तरह से तैयारी चल रही, तो इस समय तक म्यूनसिपैलिटी के जो चुनाव थे वो हो जाने चाहिए थे, और दिसंबर में जिस तरह से पंचायतों की हम बात कर रहे थे वो हो जाने चाहिए थे। तो क्या देखते हैं, किस तरह से देखते हैं कि पाँच जो चुनाव अगले जो पाँच स्टेटों में होने वाले हैं उसमें जम्मू कश्मीर का नाम नहीं है, और दूसरी तरफ यही कह रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव होंगे, ये चुनाव होंगे, जम्मू कश्मीर असेंबली के चुनाव होंगे, तो लेकिन चुनावों का कहीं नाम नहीं है, तो किस तरह से देखते हैं कि ये बात कर रहे हैं लोग? ये जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ एक धोखा किया जा रहा है, जम्मू कश्मीर की जनता को लूटने की जो एक इन्होंने छूट रखी हुई है वो दी हुई है इन डिपार्टमेंट्स को कि हमारी जनता को लूटो। आप अगर यहाँ चुनी हुई सरकार होती तो क्या जो किसान बेचारा अपनी ज़मीन की नकल लेने के लिए जाता है 20 रुपए की जीआर कटवाता था, क्या आज वो 500 की जीआर कटवाता गया? वो 20 की जीआर अगर उसको अपनी ज़मीन की नकल 20 रुपए में मिलती थी, तो अगर यहाँ पे ये प्रशासन ना होता तो फिर 500 कैसे लेते ये लोगों से? लोगों को एक लूटने का प्रयास तो करना है ना। अगर टोल है 60 किलोमीटर के अंदर नहीं होना चाहिए, तो ये जो हमारा टोल यहाँ लखनपुर का और ये जो हाँ, तो इसके अंदर तो इतना डिस्टेंस नहीं है, अगर कोई सरकार होगी वो होना लगने देगी, लेकिन इन्होंने लूटना कैसे है? ये एक लूट की छूट मचाई दी हुई है, तो इसलिए ये है कि यहाँ पे चुनाव जो हैं डेफर किए जा रहे हैं, डेफर किए जा रहे हैं। लेकिन हम भी ये देख रहे हैं, हम भी 2024 का इंतज़ार कर रहे हैं कि 2024 में इनको ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा जम्मू कश्मीर की जनता की तरफ से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि ये आने वाले दिन में यहाँ पे बीजेपी का कोई नामो निशान भी नहीं रहेगा। क्या कहेंगे? वही ये जो कल आपने देखा किस प्रकार ये जो रेड का भी किया गया कि इलेक्शन डिपार्टमेंट आता है, हम ये इस सरकार को और ये प्रशासन को सख्त लफ्ज़ों में ये कह देना चाहते हैं कि किसी भी, ये बात हमारे ये एक नेता की या किसी विशेष नेता की बात नहीं है, किसी भी छोटे दल को जो अपोजिशन का होगा या किसी भी नेता को अगर गलत तरीके से प्रताड़ित करने का प्रयास किया जाएगा किसी भी एजेंसी के द्वारा, या किसी भी नेता को या किसी भी विपक्ष के किसी भी लीडर को गलत तरीके से हरासमेंट किया जाएगा, तो मेरी ये पर्सनल राय है कि हम लोगों को उसका विरोध करना चाहिए। पावर किस लिए होती है? लोगों को ऊपर उठाने के लिए, लोगों की आवाज़ को उठाने के लिए, लेकिन ये नहीं है कि आप लोगों की जो आवाज़ उठाए उसकी आवाज़ को दबा दो, और जब जनता को आपसे प्रश्न पूछे आप जनता की आवाज़ लाठियों से दबा दो। कल ये कहा था कि करप्शन के खिलाफ हमारी सरकार जो है वो कार्रवाई करेगी। मैं तरुण चुग जी को थोड़ा सा उनका ज्ञान जो है उसको थोड़ा सा बढ़ाना चाहता हूँ, शायद वो जम्मू कश्मीर में कम रहते हैं इसलिए मेरे को लगता है कि उनको थोड़ी सी नॉलेज कम है, क्योंकि ज़्यादातर ये बाहर के ही नेता आए हैं। तो उनको मैं ये बता दूँ कि मान लिया हमने आप कार्रवाई करना चाहते हैं करप्शन के अगेंस्ट, हम आपके साथ हैं, हम आपको स्वागत करते हैं, तो करिए ना कार्रवाई कविंदर गुप्ता पे। कविंदर गुप्ता पे क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? क्योंकि आपने देखा कि पिछले दिनों, मैं नहीं ये कह रहा, ये जब सरकारी ज़मीनों पे जो इंक्रोचमेंट हुई है उसके लिए एक डाटा रिलीज़ किया जाता है, और आपने देखा हमारे बड़े ही एक एडवोकेट भी हैं हाईकोर्ट के शेख शकील जी, वो हमेशा ये बात को लेकर निकलते रहते हैं कि कविंदर गुप्ता जी इस खसरा नंबर पे जो हैं इन्होंने इंक्रोचमेंट की हुई है, और वो पूरा डॉक्यूमेंट्स भी दिखाते हैं। क्या तरुण चुग जी को वो डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखते? क्या लोग ये नहीं देखते, हमारी जनता ये नहीं देख रही कि कविंदर गुप्ता पे क्यों कार्रवाई नहीं की? कविंदर गुप्ता पे सीबीआई इंक्वायरी क्यों नहीं होती? कविंदर गुप्ता भाजपा के नेता हैं इसलिए नहीं चलाया जा रहा? पूरे देश में इस प्रकार का परसेप्शन बना हुआ है कि जो भाजपा में जाएगा वो साफ, ये पार्टी मेरे को लगता है बीजेपी जिसको हम कहते थे कि इनकी फुल फॉर्म थी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन आज इन्होंने अपना मजाक बना लिया हुआ है। आज इनके जो निकल के फुल फॉर्म आ रही है बी फॉर भ्रष्टाचारी, जे फॉर जोड़ो, पी फॉर पार्टी,
इस प्रकार की एक नई पार्टी जो है बीजेपी का गठन हो रहा है, जिसको आम जनता जो है वो परेशान नहीं करेगी, वो उसको आम जनता जो है वो बर्दाश्त नहीं करेगी। और ये जो नई बीजेपी बन रही है जिसमें भ्रष्टाचारी जोड़ो पार्टी, इसका जो है पूरे देश में सुपड़ा साफ हो जाएगा। मैं उस बीजेपी की बात नहीं कर रहा कि जो भारतीय जनता पार्टी थी, मैं भ्रष्टाचारी जोड़ो पार्टी जो इन्होंने अब नई गठित की हुई है, जिसमें आपने देखा कि किस प्रकार एक एक तारीख पे ये इल्जाम लगाते हैं कि इतने करोड़ों का इन्होंने घोटाला किया है महाराष्ट्र में, वो किया है, तो ठीक चार दिन के बाद वही भ्रष्टाचारी पार्टी में ज्वाइन कर लेता है और बिल्कुल साफ हो जाता है। तभी तो भ्रष्टाचारी जोड़ो पार्टी जो मैं कह रहा हूँ एक गठित हो रही है नहीं, उसका जो है जनता पूरे देश से सुपड़ा साफ कर देगी। बी फॉर भ्रष्टाचारी, जे फॉर जोड़ो, पी फॉर पार्टी। बिल्कुल, हमारे साथ कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष विश्वेंद्र दोत्रा थे और कई सारे मुद्दों पर बातचीत की उन्होंने और बात भी रखी है अपनी, जिस तरह से हमने शुरुआत की थी कारगिल के चुनावों को लेकर, बड़ी जीत जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को मिली है, और उसके बाद तमाम जितने भी अपोजिशन के नेता हैं जम्मू कश्मीर के, वो इस समय जम्मू कश्मीर में चुनावों की तरफ देख रहे हैं। लेकिन तरुण चुग जी का जो बयान आया है लोकसभा को लेकर और तमाम जितने भी जम्मू कश्मीर में जो चुनाव है वो होने वाले हैं उसको लेकर भी ये कहा है कि जल्द जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे। लेकिन बता दें आपको कि जो अगले जो पांच चुनाव होने वाले हैं पांच राज्यों में, उसमें जम्मू कश्मीर का कभी भी कहीं भी नाम नहीं है, और ये कहा जा रहा है कि सुरक्षा के लिहाज से जब भी सही माहौल होगा जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने का तो वो करवाए जाएंगे। लेकिन ये देखना होगा कि कब तक जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो चुनावों से दूर रहती है, और चुनाव इस समय समय की मांग है। जिस तरह से पहले ये कहा गया था इलेक्शन कमीशन द्वारा, जिस तरह से हलचलें पहले तेज़ हुई थी और ये लग रहा था कि देखो मैं म्यूनसिपल काउंसिल्स के जो चुनाव है वो हो जाएंगे, उसके बाद जो तमाम चुनाव है जो है वो हो जाएंगे, लेकिन अभी तक जम्मू कश्मीर में चुनाव जो है वो नहीं हो रहे हैं। और प्रतीत ऐसा हो रहा है कि जम्मू कश्मीर की जो तैयारी हैं, जो सियासत की तैयारी हैं, वो 24 की तैयारियाँ लग रही हैं। जिस तरह से ये तैयारियाँ चल रही हैं लोकसभा की, अब लगता है कि तैयारियाँ होंगी और उसके बाद जो तमाम चुनाव हैं वो जम्मू कश्मीर में करवाए जाएंगे, जिस तरह से जो पाँच चुनावों की लिस्ट जो है सामने निकल कर आई है।